अस्सलाम वालेकुम जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और 22 तारीख को इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा करने का इनेकाद करने का फैसला किया गया है। और आज हमने ऐलान किया है कि 22 तारीख को कप्तान इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, हमारे वर्कर्स की रिहाई के लिए और मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए ये जलसा जो है मुनक़िद होने जा रहा है। आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करें। ओवरसीज पाकिस्तानी से मैं कहूंगा कि जो बाहर से भी आ सकें वो इस में हमारी जो हकीकी आजादी की जंग है इसमें हमारा साथ दें। और 22 तारीख को क्योंकि अदालत के हुक्म से NOC जो है वो जारी की गई है, क्योंकि इंतजामिया ने ये कहा कि 22 तारीख को ये कर सकते हैं। इंतजामिया से हमने रिक्वेस्ट की थी कि 13 अगस्त को हमें जलसा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन नहीं दी। उन्होंने खुद कहा कि 22 तारीख को आप जलसा जो है वो कर सकते हैं, तो लिहाजा अदालत ने कहा है कि आप 22 तारीख को जलसा करें। आपको किसी किस्म की कोई हर्डल्स नहीं है, कोई अगर रास्ते में रोकने की या कोई फिर कोई ऐसा प्लान करता है तो वो करने दें। आपने तमाम जो रुकावटें हैं वो तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और हर सूरत अगर NOC कैंसिल करने की भी कोशिश करते हैं फिर भी हर सूरत जो है वो जलसा 22 तारीख को इस्लामाबाद में मुनक़िद होने जा रहा है। आप सबने शिरकत करनी है इंशाल्लाह। 22 को हम जलसा जरूर करेंगे इस्लामाबाद में। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये इस्तेदा है कि इस जलसे में जरूर शिरकत करें। इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आप लोगों ने स्वाबी के जलसे को कामयाब बनाया था और अपनी मदद आपके तक पूरे पाकिस्तान से आपने पार्टिसिपेट किया था, आपने कश्मीर से आए, गिलगित बल्तिस्तान से, कराची से, बलूचिस्तान से, हर जगह से आए और एक अजीम शान जलसा किया था, इसी तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खान साहब अंदर है, आपने अपनी मदद आपके तहत आना है और इस खान की रिहाई के लिए ये जलसा बहुत जरूरी है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।